जय जय श्री सीता राम। आज के सत्संग में इस पर चर्चा करेंगे कि राम जी अपने भक्तों के प्रति कैसा भाव रखते हैं। राम जी के प्रति, राम जी के मन में अपने भक्तों के प्रति कितना प्रेम है, राम जी कितने भक्तवत्सल हैं। गोस्वामी जी मानस जी में लिखते हैं, जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा कर कीन न खोहु, देखी दोष कब हु न ओर आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने, कहो कवन प्रभु के असरीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बहर बैर अधिकाई, समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन गति सो। जिस भक्त पर राम जी की ममता हो गई, राम जी का अपनापन हो गया और प्रेम हो गया, जी जन पर ममता अति छो, जिसको राम जी एक बार स्वीकार कर लेते हैं, जिस पर राम जी की ममता हो जाती है, जिस पर राम जी का अपनापन हो जाता है कि हां ये मेरा है, ये मेरा है, तो जी करुणा कर कीन न को, फिर उस पर करुणा के सिवा वो कभी क्रोध नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, जी करुणा कर कीन न को, वो फिर करुणा ही करते हैं, उस पर कोप नहीं करते हैं। और अपने भक्त के दोष को आंखों से देखकर भी, देख ही दोष कब हो ना उलाने, अपने भक्त के दोष को आंखों से देखकर भी कभी ध्यान में नहीं लाते, और यदि सुनी गुण साधु समाज बखाने, और यदि कहीं उसका गुण सुनने में आ गया कि अरे बड़ा भला आदमी है, अरे राम जी का बड़ा प्रेमी है, तो संत समाज में अपने राज दरबार में उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं कि मेरा भक्त है, अरे ऐसा है, मेरा भक्त ऐसा है। लेकिन उसका कोई दोष आ गया ना, तो दोष को राम जी चुपचाप छुपा लेते हैं, तो कहते हैं नहीं, किसी को नहीं बताना है। ऐसे ही एक दंत कथा आती है राम जी के संदर्भ में। एक बार विभीषण जी को पाताल लोक में कुछ लोगों ने पकड़ लिया, पाताल लोक में या कहीं किसी, शायद किसी क्षेत्र में, धरती पे ही कुछ लोगों ने पकड़ लिया, और विभीषण जी के लिए प्राणदंड इसका विधान किया गया, ये सजा सुनाई गई कि इन्हें तब तक मारा जाएगा जब तक इनके प्राण नहीं निकल जाए। इधर राम जी के कानों में बात पड़ी, राम जी को गुप्तचर से सूचना मिली कि ऐसी ऐसी बात हो गई है और विभीषण जी को मृत्यु दंड का सजा मिली है। जैसे ही राम जी ने सुना, तुरंत उसी समय राम जी अपने राज दरबार से तुरंत तैयार हुए और रथ निकलवाए, तुरंत अपना रथ लेके चल दिए विभीषण जी के पास। वहां राम जी एक गांव में पहुंचे तो वहां के लोगों ने ही विभीषण जी को बांध रखा था। तो राम जी पहुंचे तो राम जी ने कहा कि क्या आपने किसी को बंदी बना रखा है। पहले तो राम जी को देख के सबने पहचान लिया, प्रणाम किया, सबने कहा हाँ प्रभु, एक राक्षस है और उसने हमारे गांव के एक ब्राह्मण की हत्या कर दी है, इसलिए हमने उसको बंदी बना रखा है। अब उसने ब्रह्म हत्या की है तो उसको छोड़ेंगे तो है नहीं है, परलोक में जो भोगेगा वो भोगेगा, लेकिन इस जन्म में हम उसको नहीं छोड़ेंगे। राम जी ने कहा अच्छा, आपने कहाँ बंदी बना रखा है। तो लोग एक नीचे एक तहखाना तरीके का बना रखा था और
वहां राम जी को ले गया और राम जी को दिखाया कि ये यहीं पे है। राम जी ने कहा ठीक है, इसका द्वार खोलिए। दरवाजा खोला तो उसमें विभीषण जी थे। विभीषण जी ने तुरंत राम जी को देख के प्रणाम किया। राम जी ने कहा कि क्या हुआ, पूरा वृतांत क्या है, आप मुझे बताइए। तो विभीषण जी ने कहा कि प्रभु, मैंने प्रभु ये हत्या नहीं की है और ये लोग कह रहे हैं कि मैंने की है। मेरे द्वारा प्रभु ऐसा कोई भी पाप नहीं हुआ है और स्पष्ट मुझे कहानी स्मरण नहीं आ रही है कि क्या था। तो राम जी ने कहा कि ठीक है, आप यदि हुआ भी है तो भी कोई बात, चिंता मत करो। तो राम जी ने गांव वाले से कहा कि ये तो मना कर रहे हैं कि इन्होंने नहीं किया है। तो गांव वाले ने कहा कि प्रभु, अब प्रभु चोर कैसे कह देगा कि मैंने चोरी की है। राम जी ने कहा कि ठीक है, यदि ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, आप विभीषण जी को मुक्त कर दीजिए और आप लोगों ने जिस दंड का विधान किया है, जो दंड आप सभी ने निर्धारित किया है ब्रह्महत्या के लिए, उस दंड को मैं स्वयं भोगूंगा, आप विभीषण जी को मुक्त कर दीजिए। जब विभीषण जी के संदर्भ में राम जी के मुख से ऐसी बात सुनी तो सभी गांव वाले चकित हो गए। ये प्रभु आप कैसी बातें कर रहे हैं, दोष तो विभीषण जी ने किया है ना, दोष तो विभीषण जी ने किया है, आप। तो राम जी ने कहा कि देखिए, वो मेरा शरणागत है, जो सवीत आवा शरणाई रखे हूं ताहि प्राण की नाई। वो भय से ही सही मेरी शरण में आया था, रखे हूं ताहि प्राण की नाई, और मैंने, मेरा ये प्रण है कि मैं उसकी ऐसे रक्षा करता हूं जैसे मैं मेरे प्राणों की करता हूं। तो उसके प्राणों पर संकट है तो फिर मैं ये कैसे देख सकता हूं, भले ही मेरे प्राण क्यों न चले जाएं लेकिन मैं उसके प्राणों पर संकट नहीं आने दे सकता, इसलिए जो भी आपने दंड का विधान किया है वो आप मुझे बताइए। तो जब राम जी के ऊपर बात आ गई तो सबने कहा नहीं नहीं प्रभु, हम प्रभु ऐसा प्रभु नहीं कर सकते हैं। तो राम जी ने कहा कि ठीक है, तो फिर कोई और बताइए कि कुछ और हो सकता है। तो उसने, गांव वाले ने कहा कि प्रभु, यदि ये अपने हाथ से है ना, 1,51,000 ये यदि गौदान कर देते हैं तो जो ब्रह्म हत्या है ये मुक्त हो जाएंगे। तो राम जी ने कहा ठीक है। तुरंत राम जी ने अयोध्या जी से 1,51,000 गौ की व्यवस्था की, विभीषण जी के हाथों से संकल्प बुलवा के दान करवाया, पाप मुक्त किया। तो देखिए इस प्रकार से, जही जन पर ममता अति चोहु, जही करुणा कर कीन न को। जिस पे एक बात कृपा कर दी, करुणा कर दी, उस पर कोप नहीं करते, और यदि दोष भी हो जाए तो उसके दोष को ध्यान में नहीं लाते। अब बताइए, भला ऐसी रीति किसकी है, ऐसा माना किसका है। ऐसे हरि करत दास परप्रीत, उनको अपने सेवक पर केवल प्रेम रखने से तृप्ति नहीं होती, केवल प्रेम रख लिया उससे ही उनकी तृप्ति नहीं होती, वो उस पर आने वाले संकट को, उस पर आने वाले दुख को स्वयं सहने के लिए सतत तत्पर रहते हैं कि मेरे भक्त पर कोई कष्ट ना आए, इसे कोई क्लेश ना हो। कहो कबन प्रभु को असरीति, सेवक पर ममता अल्पीति, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अतिकाई। सेवक की कोई सेवा कर दे तो राम जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि ये इसने मेरी सेवक की सेवा कर दी है। और सेवक बैर बैर अदुकाई, यदि सेवक से किसी ने बैर कर लिया, यदि सेवक का अहित किसी ने करने की सोच ली तो फिर राम जी के कोप से कोई बच नहीं सकता, निश्चित है राम जी बिल्कुल नष्ट कर देंगे। समदर्शी मोहि कह सब कोई, सब कहते हैं नहीं नहीं अरे परम परमात्मा है, अरे भगवान की दृष्टि में कोई छोटा कोई बड़ा थोड़ी होता है? सब भगवान की ही संतान है, सबकी उत्पत्ति भगवान से ही हुई है, ऐसा थोड़ी है कि तुम खास हो गए हम बुरे हो गए, नहीं, भगवान की दृष्टि में सब बराबर है। राम जी कहते हैं कि ठीक है, यदि लोग ऐसे कहते हैं तो कोई बात नहीं। समदर्शी मोहि कह सब कोई, सब कहते हैं कि राम जी की समान दृष्टि है, राम जी तो एक समान दृष्टि से देखते हैं। समदर्शी मोहि कह सब कोई, लेकिन ऐसी बात नहीं है,
सेवक प्रिय अनन्य गति सोई, जो अनन्य भाव से मेरा सेवक हो गया, जो अनन्य भाव से मेरी शरणागति में आ गया, मेरी शरण में आ गया, वो मुझे सबसे प्रिय है। उसके आगे फिर सर्वोपरि वाली बात नहीं होती है, समदर्शी वाली बात उसके निमित्त नहीं आती है। कर्म विधान विश्व रचिया का जो जस कर ही स्वतः फल चाखा, तदपि कर ही सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। भक्त के हृदय के अनुसार ही भाव होता है। जब उसकी दृष्टि में निज प्रभु में देख ही जगत के ही चनकर ही विरोध जब ऐसी हो जाती है, तो फिर ऐसे भक्त के लिए मैं समदर्शता कैसे रखूं? फिर तो वो मेरा परम प्रिय हो जाता है। अनुज राज संपत्ति बैदेही, देह गेह परिवार सनेही, सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मृषन कहो मोर यह बाना, सबके प्रिय सेवक यह रीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। अनुज राज संपत्ति बैदेही, जब राजगद्दी हो गई, तो राजगद्दी होने के बाद जब राम जी बानर और भालुओं को विदा कर रहे हैं, तो विदा करते समय वहां पे राम जी ने अपना स्वभाव बताया है। राम जी कहते हैं, हे मेरे सेवको, हे मेरे भक्तो, अनुज राज संपत्ति बैदेही, मुझको मेरा भाई अनुज लक्ष्मण, मेरी राजश्री संपूर्ण अयोध्या, स्वयं जानकी जी, देह गेह परिवार स्नेही, मेरा अपने शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार और मेरे हित नाते वाले मेरे संबंधी, वो भी मुझे इतने प्रिय नहीं है जितने तुम लोग हो। सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, सब मुझे प्रिय हैं लेकिन तुम्हारे समान मुझे प्रिय नहीं है, तुम मुझे अतिशय प्रिय हो। जितने तुम लोग हो उतना मुझे कोई प्रिय नहीं है। निश्चय न कहूं मोर यह वाना, मैं सत्य कहता हूं, यही मेरा बेदद है, यही मेरी वीरावली है, यही मेरा प्रण है। सबके प्रिय सेवक यह रीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। ये सबकी रीति है कि सेवक सबको प्यारे होते हैं, लेकिन उसमें भी जो अनन्य गति हो चुका है, जो अनन्य शरणागति हो चुका है, जिसने अपना सर्वस्व मुझको ही मान लिया है, जिसकी मुझे छोड़कर कोई इच्छा नहीं है, जिसकी मुझे छोड़कर कोई चाह नहीं है, जिसको मुझे छोड़कर कुछ अब प्राप्त नहीं करना संसार में, जिसके लिए मुझे छोड़कर अब जीने का कोई अर्थ नहीं है, उसके लिए मोर अधिक दास पर प्रीति। ऐसे जो मेरे सेवक हैं, जो दास भाव ग्रहण कर चुके हैं, उनसे प्रिय मुझे जगत में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक भक्ति के नाते के अलावा चाहे जितने नाते हैं, वो भगवान की गणना में है ही नहीं। सबरी से, सबरी माता से स्पष्ट कहा है रघुनाथ जी ने, मान हूं एक भक्ति कर नाता, मैं बस एक भक्ति का ही नाता मानता हूं और कोई नाते नहीं मानता। निषाद जी को सखा कहा ना, कि मेरा सखा है। कोल भील सब पर कृपा करिए, क्या कहा भगवान ने, भक्ति बंत अति नीच हूं प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असमम बाणी। जो भक्तिवंत है, जो भक्ति वाला है, जिन्होंने भक्ति के भाव को स्वीकार कर रखा है, मोहि प्राण प्रिय असमम बाणी, वो मुझे प्राणों के समान प्रिय है। ऐसे हैं राम जी, ऐसे राम जी का भक्त वत्सल स्वभाव है, ऐसे हैं हमारे रघुनाथ जी। जही दिन प्यारे वेद पुकारे, द्रव उस श्री भगवान, एक बाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। एक बाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। वो दो बात नहीं कहते, रामो द्रुविना विभाषते, एक वाणी करुणा, उन्होंने एक बात कह दी, बस सो प्रिय जाके गति न आन की। मुझे वही प्रिय है जिसको मेरे सिवा किसी की गति नहीं है, मेरे सिवा कोई इच्छा नहीं है, मेरी सिवा कोई चाह नहीं है, मेरे सेवा जिसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जिसके जीवन का एकमात्र ध्येय केवल मैं हूं, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। यही अति दीन प्यार है, जिसका कोई भी नहीं है वो दीन ही, दीन वत्सल भगवान श्री रघुनाथ जी को प्रिय है। माता सती ने जिस समय अपने अपराधों का स्मरण किया और अपराधों का स्मरण करके जिस समय भगवान को पुकारा, पुकार के क्या कहा,
जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरण वेद जस गावा, तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटहु बेगी देह यह मोरी। दीन दयाल, दीनों पर दया करने का जिसका विरल है, वेद जिनको आरती हरण करके जिनका गान करते हैं कि वो सबके दुख का हरण करने वाले हैं, तो ये दीन सती, तो मैं विनय करूं कर जोरी। तो इस सती की विनती है, हे नाथ मेरा ये शरीर शीघ्र ही छूट जाए, मैं इस शरीर को रखना ही नहीं चाहती। माता सती की ऐसी प्रार्थना थी, उस प्रकार फिर भगवान की इच्छा के अनुसार आगे का पूरा प्रसंग हुआ और प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया, शंकर जी को बुलाया नहीं और माता सती वहां पहुंची और जहां भगवान शंकर का अपमान हुआ वहां माता सती ने भगवान की इच्छा के अनुसार अपने देह का त्याग किया, युग अग्नि में स्वयं को भस्म किया और बाद में माता पार्वती के रूप में जन्म भी लिया। फिर शंकर जी के पास प्रार्थना कही, उनसे जाके विवाह भी कर दिया। वास्तव में शिव जी को पार्वती जी की प्राप्ति केवल राम जी की कृपा से हुई है। कैसे? अति पुनीत गिरिजा के करणी, बिस्तर सहित कृपान दिवरनी। माता पार्वती जब तपस्या करती हैं और फिर रघुनाथ जी आकर वरदान देते हैं, फिर राम जी कहाँ जाते हैं? शंकर जी के पास। और शंकर जी को बताते हैं कि देखो विस्तार सहित कृपा निधि वर्णी, तुरंत शंकर जी को बताते हैं कि अति पुनीत गिरिजा के करनी, कि माता पार्वती ने आपके लिए क्या क्या सहा है, क्या क्या किया है, आपको उनसे विवाह करना चाहिए। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाय विवाह हो सैल जही, यह मोहि मांगे देव। मैं आपसे यही मांगता हूं, अब जाके पार्वती जी से विवाह कर लो। माता अहिल्या को किसी का बल नहीं था, सभी उपाय से शून्य हो चुकी थी, लेकिन श्री रघुनाथ जी ने अपनी करुणा से, अपनी दीन बंधुना से, जो व्रत उन्होंने धारण कर रखा है उससे उनको भी सुखी बना दिया। ऐसे श्री रघुनाथ जी हम सभी को अपनी शरण में स्वीकार करें और हम पे अपनी अतिशय कृपा सदा बनाए रखें। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसी सटत ही भजु छाणी कपट जंजाल। ऐसे श्री रघुनाथ जी को कपट, भय, छल, इन सबको छोड़कर भजन कीजिए, राम राम कीजिए, नाम जप कीजिए। आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।